अरे मेरे को डर लग सर। हाँ गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के साथ ना एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो शेयर करने वाली हूँ। अगेन मैंने पिछली बार अमेजोन से एक हेयर रोलर ट्राई किया था जिसको आप लोगों ने पता नहीं क्यों नहीं देखा, शायद मेरी वीडियो वो थोड़ी सी लेट नाइट मैंने पोस्ट कर डाली थी, टाइमिंग की थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है प्लीज़ उसको देखिए और उसके थोड़े से व्यूज़ बढ़ाइए, बिकॉज उसके ऊपर लिटरली बहुत ही कम व्यूज़ आए थे बिकॉज टाइमिंग मेरी थोड़ी गलत हो गई थी। नाउ आई हैव रियलाइज कि मुझे सही टाइम पे ही अपनी वीडियोस को पोस्ट करना चाहिए। एनीवेज आज हम एक और चीज़ ट्राई करने वाले हैं, विच इज़ दिस, है क्या ये चीज़? तो ये बेसिकली मैंने अमेजोन से मंगवाया है कुछ ट्राई करने के लिए। बहुत ही वियर्ड सी चीज़ है ये, मैंने इससे पहले ये ऐसा कुछ देखा नहीं था और आई थॉट लेट्स डू दिस बिकॉज आई थिंक रील्स के ऊपर और रील्स के ऊपर नहीं, यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर, यू नो जहाँ पे भी टिकटॉक अभी अवेलेबल है, तो ये टिकटॉक के ऊपर बेसिकली बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो पहले मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। यू कैन सी ये अमेजोन का डब्बा है, तो मैंने अमेजोन से ही इसको मंगवाया है, यू कैन सी। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको करते हैं ओपन और सो ये अजीब गरीब जो चीज़ है कुछ इस तरह की पैकेजिंग में मेरे को मिली है। सी दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, यू कैन सी। ये है क्या? ये है मल्टी फंक्शनल क्लीनिंग रिमूव ब्लैक हेड डिवाइस, यू कैन सी। ये एक ब्लैक हेड डिवाइस है, मैंने यहाँ से पहले लिटरली मैंने कभी भी ऐसी चीज़ें कुछ यूज़ नहीं की है। सो मुझे लगा कि चलो इसको ट्राई करते हैं, ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। और ये मेड इन चाइना है, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है मेड इन चाइना। एंड ये क्या करता है? रिड्यूस करता है एक्ने को, रिड्यूस फाइन लाइन्स, रिड्यूसिंग ब्लैक हेड्स, इम्प्रूविंग हॉर्नीनेस। ओके, तो मल्टी फंक्शनल जैसे क्लीनिंग इसमें लिखा हुआ है, तो अभी इसके बीच में यहाँ पे मेंशन 6 सक्शन हेड्स मल्टी फंक्शनल, आपको यहाँ पे नोजल्स भी इसके साथ अटैच मिलते हैं, इसी के साथ मिलते हैं। सो हियर इट इज। ओके 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 ओके, पैकेजिंग लुक्स वेरी चीप, मतलब कुछ खास बढ़िया क्वालिटी की पैकेजिंग तो मुझे नहीं लग रही है। एनीवेज मैं यहाँ पे थोड़ी सी फिंगर रख लेती हूँ, कैसे दिखाऊँ। ओके, यहाँ पे आपने देख लेंगे ऐसे वाली पैकेजिंग में आई है जिसमें हेड्स भी हैं यहाँ पे साइड पे, जो इसके साथ मिलेंगे वाले नोजल्स। ठीक है, तो ये इसके साथ मिले हैं, एक इसके साथ ऑलरेडी अटैच्ड है। सी दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। तो ये क्या करता है? बेसिकली जो है ये जो भी इम्प्योरिटीज, ब्लैक हेड्स, जो एक्ने होता है उसको ये सक कर लेता है। और ओ माई गॉड, अच्छा ये बैटरी के ऊपर होगा, ये चार्जेबल है। इसके साथ हमें ये छोटी सी इसकी केबल मिली है, यू कैन सी, इसके साथ हमें इसको चार्ज करना पड़ेगा। तो इसको मैंने यहाँ से बस ऑन किया है, यू कैन सी ये वाला, लेट मी शो यू, ये बटन है ना यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तो ये नॉर्मल स्पीड पे है। ओके, ये कम हो गया, ये स्पीड ज़्यादा होगी ड्राई स्किन के ऊपर, अब ये ऑयली स्किन के ऊपर आ गया, ऑयली ड्राई ऑयली। ओके, नॉर्मल, वेरी गुड, मतलब इसके ऊपर आपको अलग अलग मिल जाता है जिसके अकॉर्डिंगली आप इसको यूज़ कर सकते हो। एनीवेज आपको आवाज़ आ रही है, इतनी इसकी आवाज़ है। तो मैं करूँगी, पहले मैं नॉर्मल के ऊपर ही टेस्ट करके देखती हूँ बिकॉज फेस तो मैंने अभी वॉश किया है। थोड़ा सा जूम आउट करूँगी, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज आपको दिखाऊँगी मैं लाइव रिज़ल्ट, एक आधा पिंपल जो है अभी ट्राई करके देखेंगे। पहले तो मैं अपने इसको हाथ के ऊपर लगा के देखूँगी और इसके ऊपर ना स्पेशली, एक मिनट इसको बंद कर देती हूँ। तो इसके ऊपर स्पेशली इन्होंने मेंशन भी किया था जब मैं इसको ले रही थी तो परचेज़ कर रही थी, कि इसको इसके ऊपर कहीं पे भी मेंशन नहीं किया, लेकिन इसकी जो जब आप अमेजोन से परचेज करते हो ना तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसके लिखा हुआ है कि मोर देन 3 सेकेंड्स आपने इसको एक जगह के ऊपर ऐसे नहीं रखना है। ठीक है, सो आई एम लिटिल स्केयर्ड भी और थोड़ा सा हूँ मैं एक्चुअल अंदर से थोड़ा सा हूँ, क्योंकि स्किन के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो चलो अब हम ट्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ भी नॉर्मल रखा है लेकिन स्पीड को थोड़ा सा कम किया है। ओ
ओ ओ माय गॉड, ओ लुक एट दिस, ओ माय गॉड, सी ओके, ओके ओके अब मैं थोड़ा सा और बस ज्यादा डर गई हूँ, बिकॉज डर नहीं गई हूँ, लाइक समझ रहे हो आप ना, मतलब ये देखो, ये स्किन को ना ऐसे ये एक हवा बना के ना, एयर को इनकॉर्पोरेट, लाइक अंदर ही अंदर ये ओ भाई साहब, ये तो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो लेट्स ट्राई। अभी आपको समझ आ गई है? ओके ट्राई, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। ओके 1 2 3 स्टार्ट। इसको मैं रखूंगी पहले नॉर्मल स्पीड के ऊपर, और मैं यहाँ पे आप लोगों कर लेती हूँ जूम, एंड यहाँ से ट्राई करें। अरे मेरे को डर लग, हाँ ओके लेट्स डू इट अगेन। मैं इसको बहुत नॉर्मल स्पीड पे रखूंगी, बिकॉज मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। पहले मैं नोज़ के अराउंड ही करूँगी। ओके गाइज, आई डोंट वॉन्ट टू बी एग्जेजरेट, लाइक सच में मैं मतलब कुछ इसको ज्यादा वो नहीं बनाना चाहती। ओ माई गॉड, ओके सो सी दिस, एक आपको चीज दिखाऊं, अभी नहीं दिखेगी यार, काश मेरे पास अच्छा कैमरा होता। कि इसके अंदर ना यहाँ पे साइड पे ये आप देख रहे हो, मैं आपको ना बैक कैमरा से दिखाती हूँ। अभी आपको कुछ दिखा ये नोजल के ऊपर? पहले ये नोज़ल बिल्कुल क्लीन थी, अभी कुछ दिखा आपको? ये सी, ये देखिए, तो ये जितनी भी ऑयल थी, ऑयल था और जो भी इम्प्योरिटीज थी, ये यहाँ पे, ये वाली जगह देखो आप, ये वाली सी, ओ माय गॉड। सो बेसिकली यहाँ पे ना, एक यहाँ पे इसने इकट्ठा कर लिया है जो भी है मेरी स्किन के ऊपर, और यहाँ पे कुछ ऐसा इरिटेटेड काइंड ऑफ तो ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। चलो लेट्स डू इट अगेन, मुझे और एक्साइटमेंट भी हो रही है। अभी इसको फिर से मैं नॉर्मल स्पीड के ऊपर रखूँगी, एंड अभी हम ट्राई करेंगे दोबारा से इस साइड पे। एक चीज तो है कि ये बहुत ज्यादा प्रेशर से ना, सी ये बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ आपकी स्किन को खींच लेता है। लाइक अगर मैं तो यही बोलूंगी कि आप ना मतलब थोड़ा सा कूल काम रह के ही इसको यूज करना, अगर आप इसको ट्राई करोगे कुछ ऐसा। सी यहाँ पे हल्का सा रेड हो गया मेरी स्किन के ऊपर, एंड आई थिंक ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा थोड़े टाइम में। अभी फिर से अब मैंने इसको ऑयली पे किया है, लेट्स डू दिस, लेट्स सी कि ये ऑयली के ऊपर कैसे करता है। देख रहे हैं आप, ऑयली ऑयली ब्लिंक कर रहा है अभी, तो ये ऑयली वाला ट्राई करके देखते हैं। ऑयली पे तो और भी ज्यादा ये वो हो गया है थोड़ा सा। नहीं भाई, ऑयली पे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और मुझे ऐसे लगता है मेरे पेन होती है। सो लेट्स डू दिस अगेन।
ओके, एक चीज़ बताऊं कि इसको ना जब यूज़ करो तो आई डोंट थिंक कि इसको एक जगह पे ऐसे लगा के रखो. नो, मुझे लगता है स्किन के ऊपर तो इसको ना मूव करते रहना चाहिए हमें. ओह माय गॉड, यहाँ पे भी पूरा रेड हो गया. ओके, यहाँ पे ना मेरा एक्ने है जो भी बन रहा है, इसको देखते हैं क्या करता है ये. ये इसके बीच में जो गंक था, जो ये एक्ने के बीच में जो ये पस थी, वो बिल्कुल निकल गई है. जो ये पस्ट्यूम था, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अरे बाप रे बाप. सी, इसमें ब्लड तो आया ही है, उसी के साथ मेरी जितना भी पस थी ना इसमें भरी हुई, वो बिल्कुल निकल गई है लिटरली. और बहुत ही गंदा लग रहा है मुझे देख के. सी, जितनी भी यहाँ पे जो भी थी ना गंक था, यहाँ पे पस थी, वो बिल्कुल निकल के इसके बीच में आ गई है. सो डेफिनेटली मैं इसको अभी चेंज कर लेती हूँ. इसको चेंज कैसे करना है? ओके, बस इसको खींच के आप चेंज कर सकते हो. एंड बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा पस है इसमें. हल्की सी बैटरी की स्मेल आ रही है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि इसको कंटिन्यूसली चलाना चाहिए. स्किन जो है ना थोड़ी सी रेड होनी शुरू हो गई है, बिकॉज ऑफ यू नो हो जाती है स्किन रेड. बट ब्लैक हेड, वाइट हेड तो इसमें कोई भी नहीं नज़र आ रहा मेरे को. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो ऑयल है ना वो है मेरी स्किन का इसमें निकल के आया. और मे बी इस वजह से भी हो सकता है, बिकॉज एक दो दिन पहले ही मैंने फेशियल किया, तो इस वजह से भी हो सकता है. लेकिन ये जो गंक था ना, ये जो प्रॉपर इसमें जो भी पस है ना, प्रॉपर निकल के बाहर आ गई, लाइक ऑब्वियसली बिकॉज इसने सक कर लिया उसको, उसकी वजह से. बाकी अभी थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, यू कैन सी मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा रेड हो गया, अभी पूरा का पूरा ही रेड हो गया है. और अभी मेरी स्किन थोड़ी सी ऐसे लग रहा है, थोड़ी वाइब्रेशन मूड के ऊपर लग रही है मुझे. सो आई थिंक थोड़ा सा मुझे अभी रिलैक्स करना चाहिए, अपनी स्किन को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए. तो मैं अभी मिलती हूँ आपको विद इन 5 मिनट्स. ये थोड़ी मशीन भी जो है थोड़ी सी गर्म हो गई, बहुत ही थोड़ी सी, बट ओके. तो इट्स लाइक वेरी ओके प्रोडक्ट अभी तो, लाइक मोर देन ओके. बिकॉज देखो ब्लैक हेड, वाइट हेड वगैरह तो कुछ नहीं अभी निकल के आया, लेकिन स्किन बहुत ही ज़्यादा स्मूद, सॉफ्ट हो गई है. और जितनी लाइक इम्प्योरिटीज़ थी ना, जो मेरी लाइक गंक था, जो ऑयलीनेस थी, जो सिबम था, जो ये पस्ट्यून थे, वो निकल के आ गया. अभी कोई ऐसी ब्लीडिंग वगैरह भी नहीं हो रही है. ठीक है, तो प्रेशर जो रहता है ना इसका, वो थोड़ा सा ऑयली भी आपको या तो अभी मैं यूज हो गई हूँ, लाइक अभी एक मुझे एक मिनट में ऐसे लग गया कि मैं नॉर्मली इसको यूज़ कर सकती हूँ. तो प्रेशर जो है इसका काफ़ी ठीक है, नॉर्मली है अकॉर्डिंग टू स्किन, जैसे होना चाहिए. आई थिंक इतना प्रेशर तो मैं तो इतना प्रेशर आपके सामने मैंने लाइक सह लिया है, आई कैन बेयर. लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपको मैं यही बोलूँगी भाई टेस्ट वेस्ट करके यूज़ करना, पंगे मत लेना, बिकॉज स्किन के साथ पंगे नहीं लेने चाहिए. बाकी ठीक है, बहुत ही सही लगा. यहाँ पे देखो ना, बिल्कुल एकदम चिकनी चिकनी हो गई मेरी स्किन यहाँ से.
क्वाइट इम्प्रेसिव। चलिए मैं थोड़ा सा एक दो मिनट अपनी स्किन को रिलैक्स करती हूँ। सो अभी 5 मिनट हो चुके हैं, लाइक 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, तो मेरी स्किन जो है हल्की सी हीटअप हो गई है और रेडनेस जो आप लोगों के सामने ही है, हल्की सी रेड भी हो गई है, ठीक है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी, बिकॉज यू नो कुछ लोगों की स्किन बहुत ही पतली होती है और बहुत ही सेंसिटिव होती है, तो आई डोंट थिंक सो कि उनको ये यूज़ करना चाहिए। बाकी अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, जो मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस रहा है, सो मैं अगर दोनों नोज़ल्स की तरफ देखूँ ना, तो मैं आपको क्लोजअप डाल दूँगी। दोनों नोज़ल्स में इस साइड जो है प्रॉपर ऑयल गंक और जितने भी छोटे छोटे वाइट हेड्स, अभी मैं ना निकाल के देख रही थी एक्चुअली कि सच में क्या निकलते हैं, और 3-4 यहाँ पे वाइट हेड्स मैंने ऐसे ऐसे करके देखे थे। आई नो इट्स वियर्ड, तो येस वाइट हेड्स भी निकले और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। लाइक अगर तो आपको एक्टिव एक्ने है ना, उसको आपको उसका जो गंक पस वगैरह निकालनी है उसके लिए, तो लाइक इट्स लाइक अमेजिंग, बिकॉज यहाँ पे जो था बिल्कुल भी अभी मेरे पेन नहीं हो रही, बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा, कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है, एंड इनफैक्ट मेरी जो यहाँ पे जो भी लाइक था यहाँ पे निकल के आ गया जाती है। और ये इसकी बॉडी कुछ इस तरह की है, लाइक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी की ये प्लास्टिक सी जो है ना, ये बहुत ही पकड़ने में बहुत बढ़िया नहीं लगती है। ओके, अब बात करते हैं इसके प्राइस पॉइंट की, जो मैंने आपको नहीं बताया था, वो था इसका 500 समथिंग में, एग्जैक्टली मेंशन कर दूंगी स्क्रीन के ऊपर, लेकिन हाँ ये 500 से अबव ही आया है, 580 और 590 रुपीज़ का ये आया है। सो स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ हो गई है, जो ये रेडनेस है आई नो कि ये थोड़े टाइम में चली जाएगी, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है जब ब्लैकहेड वगैरह रिमूव भी करते हम तो ये रेडनेस हो जाती है, और इसके बाद अगर आपको ज़्यादा लगता है तो थोड़ा सा आइस के साथ यू नो आप कर सकते हो या फेस वॉश कर सकते हो ठंडे पानी के साथ। तो मैंने ऐसा अभी कुछ नहीं किया, तो स्किन मेरी काफ़ी स्मूथ सॉफ्ट हो गई, यहाँ से ना ऐसे बिल्कुल बिल्कुल चिकनी चिकनी फील हो रही है, बिकॉज बिल्कुल क्लीन तो हुई है स्किन डेफिनेटली फॉर श्योर। तो मैं आपको रेकमेंड या सजेस्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मेरा एक्सपीरियंस ये शेयर करूँगी कि येस आई क्वाइट लाइक इट, बिकॉज जो यहाँ पे पिंपल था और यहाँ पे जो ब्लैक हेड्स थे, यहाँ पे लाइक सब कुछ निकल के तो बाहर आया ही है ना, तो अच्छा काम कर रहा है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लाइक ओके, ठीक है, तो मेरी तरफ से तो ये ओके है। अगर आपको ट्राई करना है तो आप कर सकते हो अपने बिहाफ के ऊपर, मैं आपको नहीं बोलूँगी कि 590 रुपीज़ इस ब्लैक हेड डिवाइस के ऊपर लगाओ, लगाना चाहते हो लाइक इट्स टोटली अप टू यू, मैम आई एम नॉट लाइक कि आप लो लो लो, मतलब अगर आपका दिल है, अगर आपको लेना है तो आप ले भी सकते हो, बिकॉज कुछ इतनी बुरी चीज़ भी नहीं है। लाइक अगर आपको यू नो बहुत ही ज़्यादा पस्ट्यून्स वगैरह उनको जल्दी जल्दी क्विकली उनको करना है तो आप यहाँ देख सकते हो, लाइव रिजल्ट तो मैंने आपको दिखाया ही है। सो मुझे अच्छा लगा ये, अगर आपको ट्राई करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, बहुत ही पतली स्किन है आपकी, तो मैं आपको नहीं रेकमेंड करूँगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा यू नो जो प्रेशर है फिर भी स्किन के ऊपर आपको फील होता है, फर्स्ट टाइम में तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मुझे ठीक लगा, मुझे ये अच्छा लगा, लाइक आई एम हैप्पी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, अगर आप लोगों ने एंजॉय किया है, अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है, यू नो द ड्रिल क्या आपको करना है, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन करके फीडबैक जरूर से शेयर करना। आई विल मीट यू नेक्स्ट वन, टिल देन बाय।